नमस्कार दोस्तों, आपका एग्जाम फेवरेट चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए मोटिवेशनल वीडियो लेकर आया हूँ। मुझे उम्मीद है ये सब आपकी सफलता की राह में मदद करेंगे और आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। तो चलते हैं और ये प्रेरणा रूपी स्टोरी को शुरू करते हैं। एक बार कुछ साइंटिस्ट ने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 5 बंदरों को एक बड़े से पिंजरे में बंद कर दिया और बीचों बीच एक सीढ़ी लगा दी जिसके ऊपर केले लटक रहे थे। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, जैसे ही एक बंदर की नज़र उन केलों पर पड़ी, वो दौड़ा उन्हें खाने के लिए। पर जैसे ही उसने कुछ सीढ़ियाँ चढ़ी, उस पर ठंडे पानी की तेज धार डाल दी गई और उसे उतरकर भागना पड़ा। पर एक्सपेरिमेंट करने वाले यही नहीं रुके, उन्होंने एक बंदर के किए गए की सज़ा बाकी बंदरों को भी दे डाली और सभी को ठंडे पानी से भिगो दिया। बेचारे बंदर हक्के बक्के एक कोने में दुबक कर बैठ गए। पर वे कब तक बैठे रहते? कुछ समय बाद एक दूसरे बंदर को केले खाने का मन किया और वो उछलता कूदता सीढ़ी की तरफ दौड़ा। अभी उसने चढ़ना शुरू ही किया था कि पानी की तेज धार से उसे नीचे गिरा दिया गया। और इस बार भी इस बंदर के गुस्ताखी की सज़ा बाकी के बंदरों को भी दी गई। एक बार फिर बेचारे बंदर सहमे हुए एक जगह बैठ गए। थोड़ी देर बाद जब तीसरा बंदर केलों के लिए लपका, तो एक अजीब वाक्य हुआ। बाकी के बंदर उस पर टूट पड़े और उसे केले खाने से रोक दिया, ताकि एक बार फिर उन्हें ठंडे पानी की सजा ना भुगतना पड़े। अब एक्सपेरिमेंट करने वालों ने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ की। अंदर बंद बंदरों में से एक को बाहर निकाल दिया और एक नया बंदर अंदर डाल दिया। नया बंदर वहाँ रूल्स क्या जाने, वो तुरंत केलों की तरफ लपका, पर बाकी बंदरों ने झट से उसकी पिटाई कर दी। उसे समझ नहीं आया कि आखिर क्यों ये बंदर खुद भी केले नहीं खा रहे और उसे भी नहीं खाने दे रहे। खैर, उसे भी समझ आ गया कि केले सिर्फ देखने के लिए है, खाने के लिए नहीं। अभी एक्सपेरिमेंट खत्म नहीं हुआ दोस्तों। इसके बाद एक्सपेरिमेंट करने वालों ने एक और पुराने बंदर को निकाला और नया बंदर अंदर कर दिया। इस बार भी वही हुआ, नया बंदर केलों की तरफ लपका, पर बाकी के बंदरों ने उसकी धुनाई कर दी। और मज़ेदार बात तो यह है कि पिछली बार आया नया बंदर भी धुनाई करने में शामिल था, जबकि उसके ऊपर एक बार भी ठंडा पानी नहीं डाला गया था। एक्सपेरिमेंट के अंत में सभी पुराने बंदर बाहर जा चुके थे और नए बंदर अंदर थे, जिनके ऊपर एक बार भी ठंडा पानी नहीं डाला गया था, पर उनका बिहेवियर भी पुराने बंदरों की तरह ही हो गया था। वे भी किसी नए बंदर को केलों को नहीं छूने देते। फ्रेंड्स, हमारी सोसाइटी में भी ये बिहेवियर देखा जा सकता है। जब भी कोई नया काम शुरू करने की कोशिश करता है, चाहे वो पढ़ाई हो, खेल हो, एक्सपेरिमेंट हो, या बिजनेस हो, राजनीति हो, या फिर समाज सेवा, या कि और फील्ड से रिलेटेड हो, उसके आसपास के जो लोग होते हैं उसे ऐसा करने से रोकते हैं। उसे फेलियर का डर दिखाया जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसे रोकने वाले मैक्सिमम लोग वो होते हैं जिन्होंने खुद उस फील्ड में कभी हाथ भी नहीं आजमाया होता। इसीलिए दोस्तों, यदि आप भी कुछ नया करने की सोच रहे हैं और आपको भी समाज या आसपास के लोगों का अपोजिशन फेस करना पड़ रहा है, तो थोड़ा संभल कर रहिए, अपना लॉजिक लगाएं खुद पर और अपने लक्ष्य पर विश्वास कायम रखिए और आगे बढ़ते रहिए।
धन्यवाद दोस्तों।